मेरे सभी व्यूअर्स को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली का त्योहार आने वाला है और हम सभी के घरों में साफ सफाई का कार्य शुरू हो गया है। माँ लक्ष्मी जी का हमारे घर में आगमन हो, इसलिए हम घर के एक एक कोने की सफाई करते हैं। और फ्रेंड्स, सफाई के लिए मैंने बहुत ही अमेजिंग वीडियो भी अपलोड किए हैं, जिसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो घर की सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन मंदिर में स्थापित मूर्तियां और इस्तेमाल होने वाले पीतल के बर्तन, घंटी और आरती वगैरह की सफाई नहीं कर पाते, क्योंकि पीतल के बर्तन को बहुत ज्यादा रगड़ना पड़ता है और इसमें मेहनत और समय दोनों ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जिससे अधिकतर घरों में मूर्तियां, पीतल के बर्तन, घंटी, आरती, सिंहासन वगैरह काले पड़ जाती है। लेकिन अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिसे अपनाकर आप बहुत ही कम मेहनत में, बहुत कम समय में पीतल के सामान और मूर्तियों को साफ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये हमारे पीतल की मूर्तियां हैं और कुछ सामान है, जैसे कि सिंहासन है, और आप देख सकते हैं कि सिंहासन में बहुत ज्यादा डिजाइन भी बनी है और डिजाइन में काली परत जम गई है। घंटी है, आरती है, और ये देखिए पीतल की छोटी थाली भी है, इसमें भी बहुत ज्यादा डिजाइन है। और फ्रेंड्स, डिजाइन होने के कारण इन चीजों को साफ करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये ऐसे चमक उठेंगे जैसे हमने अभी नए खरीदे हों। पीतल की मूर्तियों को हम अलग रख देंगे, इनको हम दूसरे तरीके से क्लीन करेंगे। तो इसके लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। अब प्रेशर कुकर में हम सारे पीतल के सामान को अरेंज कर देंगे। अब प्रेशर कुकर में पानी डालेंगे। हमें इसमें इतना पानी डालना है जितने में सारे पीतल के सामान डूब जाएं। अब हमें एक नींबू लेना है और नींबू के रस को प्रेशर कुकर में डाल देना है। और ये जो नींबू का छिलका है, इसे हम फेंकेंगे नहीं। इसका क्या करना है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे गैस पर रखेंगे और इसमें एक से दो सीटी आने तक इसे गर्म करेंगे। और जब तक प्रेशर कुकर में सीटी आ रही है, तब तक हम मूर्तियों को क्लीन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मूर्तियों में काफी चंदन टीका के भी निशान लग जाते हैं, जो बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है खट्टा दही। अगर दही ज्यादा खट्टा ना हो तो आप इसमें एक चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब सारी मूर्तियों में दही का लेप लगा देंगे, यानी कि हमें मूर्तियों को दही से अच्छे से लपेट देना है। दही सारी गंदगी को साफ कर देगा और मूर्तियां चमक उठेंगी। इसलिए जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो दही का यूज करते हैं। दही लगाने के बाद हम मूर्तियों को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिसमें दही अच्छे से अपना काम कर दे। अब हमारे प्रेशर कुकर में भी 2 सीटी आ गई हैं। हम गैस बंद कर देंगे और कुकर को एक तरफ रखेंगे। जब इसका प्रेशर अपने आप निकल जाएगा तब हम इसे खोलेंगे। अब हमारे 20 मिनट भी हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि मूर्तियों में काफी चमक आ गई है। अब हमने जो नींबू के छिलके को अलग रख दिए थे वो ले लेंगे और नींबू के छिलके से मूर्तियों को हल्के से घिसना है, इस तरह से। ये देखिए चमक गए लड्डू गोपाल जी। अब इसी तरह से सभी मूर्तियों को नींबू से चमकाएंगे। अब मूर्तियों को स्नान कराने के लिए हल्का गुनगुना पानी लेना है, जितना हम छोटे शिशु को स्नान कराने के लिए लेते हैं। अब सभी मूर्तियों को जल से स्नान करा के अलग रखेंगे। अब प्रेशर कुकर भी ठंडा हो गया है, इसे खोलेंगे, सभी बर्तन को निकाल लेंगे। और ये देखिए पीतल के बर्तन और मूर्तियों में कितनी चमक आ गई है, एकदम नए लग रहे हैं, जैसे कि अभी नए लिए हों। और इसी तरह से हमेशा क्लीन करेंगे तो इनकी चमक और बढ़ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स, आगे मेरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।